नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गौरव मंडाल। और चाइना जहाँ पे कोरोना वायरस से महामारी से लड़ रहा है, वहीं पे जो चाइना में जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई और वहीं पे सबसे ज़्यादा मामलों की पुष्टि भी चाइना में हुई है। और वुहान चैन जो इसका केंद्र है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में लोगों की भीड़ लगी पड़ी है, पेशेंट्स की भीड़ लगी पड़ी। और ऐसे में चाइना ने एक रोबोट अपने हॉस्पिटल में तैनात कर दिया जो लोगों को इन्फेक्शन से बचाएगा और जो लोगों को खाना डिलीवर करेगा। जी हाँ, ये रोबोट का काम है कि वो जो पेशेंट्स हैं उनके कमरों तक ये रोबोट जाके खाना दे के आता है। ये ऑटोमेटिक रोबोट है, इसके लिए कोई मैन नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ह्यूमन नहीं चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक रोबोट है। ये खुद गेट तक जाता है, पेशेंट के रूम तक जाता है, उसे इन्फॉर्म करता है। इसके अंदर कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर से एक दो आँखें भी लगा रखी है, आँखें टाइप भी लगा रखे है। और इसके में एक ट्रे जैसे चार कॉलम्स है और इन कॉलम्स में खाने के पैकेट्स रखे जाते हैं। और ये रोबोट उस पेशेंट के कमरे तक जाता है, उसे इन्फॉर्म करता है कि वो कमरे के बाहर आ गया और अब वो पेशेंट अपना पैकेट प्लीज़ उठा ले। और ये भी बताता है कि उस पेशेंट का जो खाने का पैकेज है वो कौन से वाले आप ट्रे पे रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये रोबोट कितना कारगर है और ये कैसे काम करता है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल देश ऑनलाइन। हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।